खरगोन जिले में नए शिक्षण सत्र शुरू होने और कोरोना के आंकड़ों में कमी आने के बाद शासकीय उर्दू स्कूल के शिक्षक 0 से 14 वर्ष के बच्चों का सर्वे कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासन की मंशा अनुरूप बच्चों को शिक्षित करने की कवायद को लेकर अनूठी पहल की गई, जिसमें शिक्षक घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इस दौरान सर्वे करने वाले शिक्षकों ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप शिक्षा के लिए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 150 बच्चों का सर्वे कर चुके हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है, भारत शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है कि 0 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी से लेकर मिडिल तक एक योजना बनाई है, जिसमें बच्चों को सब निःशुल्क दिया जा रहा है, गणवेश, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति। तो इसी को लेकर निःशुल्क पुस्तक दी जा रही है, इसी को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। कौन सी संस्था के लिए कर रहे हैं ये? उर्दू क्रमांक 15, उर्दू क्रमांक 6, खरगोन। क्या प्रोग्रेस का आपने? इसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहा, मैडम ने बहुत अच्छी मैडम मेहनत की है। क्रमांक 6 और क्रमांक 15 की मैडम ने अच्छी मेहनत की है, और अभी तक का रिकॉर्ड मतलब 80 बच्चे सर्वे कर चुके हैं प्राइमरी में, और मिडिल में 50 के ऊपर मतलब सिलेक्शन कर चुके हैं। सभी का स्कूल लगने वाली है क्या? हाँ सर, जैसे ही गवर्नमेंट की जो भी योजनाएँ आती है उसको हम फॉलो करते हैं। अभी सिर्फ गवर्नमेंट की ये है कि सर्वे करना है वही भी मध्य प्रदेश और खरगोन, जहाँ पे अपन है वहाँ का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। कौन सी स्कूल के लिए मतलब? सर, ये क्रमांक 15 उर्दू शासकीय कन्या, उर्दू क्रमांक 15 शासकीय, उर्दू क्रमांक 6। अरे कितने दिन के लिए सर्वे चाहिए? ये सर्वे सर अभी हम करेंगे जब तक पूरे 100% बच्चे कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। वैसे गवर्नमेंट ने तो 15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन अभी हम सर्वे कर रहे हैं कंटिन्यू। कहाँ कहाँ किया अभी आपने? सर अभी टेकड़ी, टवड़ी, म्यामान, खड़गपुरा और काजीपुरा हम सर्वे कर चुके हैं, और यहाँ की समस्त बच्चों को हम संस्था में दाखिल कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य उद्देश्य है कि आप लोग भी हमारा सहयोग करें, पहले पेरेंट्स और पालक, ताकि 100% हम बच्चों को संस्था में दाखिल करा सके और ये जो गवर्नमेंट की योजना है इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को दिला सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम खान है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।